नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल आज हम करने वाले हैं, यहां स्पेशल एडिशन। हमारे साथ हैं यहां बहुत सारे युवा आज, जो दंगल का हिस्सा बनने के लिए और अपने सीधे सवाल पूछने के लिए दंगल के लिए आज तक के स्टूडियो में मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन सब का, जो आज नेताओं से, प्रवक्ताओं से सवाल पूछने के लिए यहां पर आए हैं। और सवाल आज ये, क्या राम सिर्फ एक कल्पना है? क्या वो काव्य का एक काल्पनिक किरदार मात्र है? यह बहस अयोध्या के केस में चल रही सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलीलों से हुई है। बीते 4 दिनों से अपना पक्ष रख रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामायण को वाल्मीकि की कल्पना करार दिया। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने जब विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद होने के दावे को लेकर बहुत सारी दलीलें रखी तो यह माना कि वहां बाहरी चबूतरे पर पूजा होती आई है। अयोध्या केस में विवादित स्थल के मालिकाना हक की सुनवाई सबूतों और दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को करनी है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि कोर्ट की दलीलों में राम के अस्तित्व को नकार देना क्या सही है? साल 2007 में राम सेतु के मामले को लेकर कोर्ट में यूपीए सरकार ने भी भगवान राम के अस्तित्व को इनकार कर दिया था। हालांकि अगले ही दिन सरकार अपने इस दावे से पलट गई थी। गौरतलब है कि अभी दिसंबर 2017 में वैज्ञानिक तरीकों से दावा हुआ था कि राम सेतु मानव निर्मित है। सवाल है कि क्या राम के नाम पर सब छूट है? क्या यह राम का अपमान नहीं है? पहले वनवास और अब उपहास। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी का। हमारे साथ सतीश प्रकाश हैं, वो दलित चिंतक हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुजन समाज पार्टी के नजदीकी कहे जाते हैं। स्वागत कीजिए सतीश प्रकाश का भी जोरदार तालियों के साथ। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए हैं, संगठन का पक्ष अक्सर टीवी चैनलों पर रखते हैं, एक पत्रिका का संपादन भी करते हैं। स्वागत कीजिए विजय शंकर तिवारी का भी। और साथ ही स्वागत कीजिए महमूद पराचा का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ भी जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ महमूद पराचा का भी स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी, बहुत जल्दी से मेरा आपसे, क्या राम केवल एक कल्पना मात्र है? यदि राम कल्पना है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन राम राज्य का छलावा था? जवाब चाहिए। महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ हे राम झूठ है क्या? दूसरी बात, अब भारत से थोड़ा बाहर आइए, पिछले ही साल याद है दीपावली में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी आई थी, क्योंकि वो मानते हैं उनके परिवार की डिसेंडेंसी भगवान राम से। थाईलैंड का किंग टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द नाइंथ। पूरे यूरोप में हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट चलता है, ये कोई भारत ने नहीं चलाया। और दुनिया में एक ही देश ऐसा है जिसके नेशनल ब्रॉडकास्टर पर हर दिन रामायण आती है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। ठीक, और आप जाइए बाली जाइए, इतनी बड़ी वहां पे मूर्तियां नजर आती हैं राम लक्ष्मण और उनकी वो। और रावण का देश श्रीलंका, ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका कहती है लिखित में कि राम थे और राम के ये ऐतिहासिक स्थल हैं। मगर दुर्भाग्य कि राम का देश भारत आज इस बात पे बहस करता है कि ये नहीं। अब मैं एक और वैज्ञानिक बात कहता हूं, सारी चीजों के बारे में तो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं। पहले रडार मैपिंग नहीं थी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन नहीं था, अंदाजेस किया जाता था, अब मैपिंग के थ्रू किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा यह दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और बजा होगा, इसलिए ग्रीनिश मीन टाइम है जो सारी दुनिया पे लागू है। अगर आपसे पूछूं टाइम का एब्सोल्यूट पैरामीटर क्या है जो दुनिया में भार, यहां पर छोड़िए धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। क्या कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था, और जब नासा ने प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ बीसी से पहले यह हुआ था। अब इसके बाद भी अगर इनको कोई सबूत चाहिए तो मंत्र में एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में 4-5 बड़े रिलीजन है, अगर रिलीजन माने हिंदुज्म को, तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूस,
हिंदू और बुद्धिस्ट, बताइए कोई और ऐसा धर्म है जिसके भगवान के बारे में कहा जाता हो सबूत लाओ ये हुए थे कि नहीं हुए थे, या इनसे पूछो। और भगवान राम की पहले की भी वंशावली अवेलेबल है और बाद की भी, बाकी दुनिया में जितने भी लोग हुए बाद की कुछ की अवेलेबल है, कुछ की तो पहले और बाद की भी नहीं अवेलेबल है, पहले किसी की नहीं अवेलेबल है। मगर राजा इक्ष्वाकु उसे लेकर उसके बाद उनके पुत्र इतने साल राज किया, भगवान राम के बाद इतने इतने, पूरा डिटेल सब कुछ झुठलाने का प्रयास केवल इसलिए होता है कि हम पे हुकूमत करने वाले जो लोग थे ना अंग्रेज, उनको तो कहते हैं, अब मैं किसी धर्मग्रंथ के खिलाफ नहीं, कहते हैं 14,000 साल पहले दुनिया बनी थी, अब कैसे मान लें कि उससे ज्यादा पुराना हमारा है। इसलिए सारी की सारी समस्या है, जिनका की कैलेंडर 2000 साल पहले शुरू होता है या किसी का 1400 साल पहले शुरू होता है, कैसे मान ले हजारों साल पहले का था, समस्या यह है और कुछ नहीं है। उनका सवाल तो अंग्रेजों पे था, तनाव में आप दिखाई दे रहे थे। नहीं, नहीं, तनाव में क्यों दिखाई दे रहे थे? मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बस इतना पूछ रहा हूँ तनाव में क्यों है। नहीं नहीं, देखिए राम जी ठंडा करवा दे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे सवाल उनसे लेना चाहता हूँ, लेकिन आप तनाव में दिखे इसलिए मैंने कहा पहले पूछ लूँ आप तनाव में क्यों है। नहीं नहीं, महमूद पराचा, सवाल ये है कि अगर केस जीतना है तो उसके लिए करोड़ों लोगों की आस्था जिस भगवान में, उसका अपमान कर देंगे, वहां जाके कह देंगे साहब ये तो कहानी कविता की किताब है, ये तो हुए ही नहीं। तनाव में मैं था, सच में मैं, आप भी थे? मैं था, मैं ही था। चलिए आपकी कामयाबी, आपने मुंह से दिखने नहीं दिया कि आप तनाव में। नहीं मैं था, मैं तो मान रहा हूँ, कन्फेस कर, इसलिए था कि इन्होंने पूरी दुनिया की इधर उधर की बातें कर ली, जो असली मुद्दा कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, जो इनका निर्मोही अखाड़ा है जो असली मुद्दे के लिए अदालत के सामने गया था, उन्होंने ये बताया कि हमारे 1982 में कागजात ही डकैती में चोरी हो गए थे, मतलब हमारे पास कोई कागजात बाकी नहीं है, हमारे पास कोई सबूत बाकी नहीं है इस जगह का, और डिस्प्यूट चल रहा है अभी जगह का, राम के अस्तित्व का डिस्प्यूट चल ही नहीं रहा है, इनको लाना है क्योंकि वही इनको वोट और नोट दिलवा सकते हैं। लेकिन ये तथ्य तो आपके वकील ने रखा है, फिर वो या बात, ये बात तो आपके वकील ने कही है, फिर हमारे राम तो कहानी की किताब में थे, कविता की किताब में थे, हमारे वकील ने नहीं की, फिर मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूं, आप ही की तरफ से कही गई है सर, फिर हमारी चेक करा लें उसको, मैं चेक करा के बोल रहा हूँ, आपने खुद ही बताया मुझे, चलिए मेरी जानकारी भूल जाइए, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड किसका निकाय है? उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार के कंट्रोल में। तो हम जो कह रहे हैं बुनियादी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जमीन का है, मालिकाना हक का है, उसके कागज खो चुके हैं, इनके खुद के पास नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ, आज तक पूरी दुनिया को इस बात पे झूठ बोलते रहे कि कागजात है हमारे पास, सब कुछ है, सब सबूत है, अब वो पकड़ी जा रही है चोरी, तो ये दुनिया भर की बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, जो ये इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, आपको इंडोनेशिया में स्थान के सबूत चाहिए, इंडोनेशिया, लेकिन इन्होंने आपसे पूछ लिया होता कि जिनकी आप पैगंबर साहब की पूजा करते हैं उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने, जो मक्का जाते हैं, इनके लिए आप कहते हैं कि सबूत ले आओ तुरंत, अगर मामला धर्म का है तो फिर धर्म का है, इसीलिए ये नहीं कहना चाहिए ना कि भाई ये पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये तालियां बटोरने का प्रोग्राम है ना, तालियां बटोरने का प्रोग्राम है ना, कोई ताली मत बजाइए या फिर इनके लिए भी बजा दीजिए, नहीं नहीं ताली मुझे इनके लिए भी बजा दीजिए, ताली आपको अगर ताली से कष्ट है सर, आपके लिए ताली बजवा देता हूं मैं, मुझे पता है आपके इशारे पे तालियां बजती हैं नहीं बजती है, पता है आप इनका मेरी बात लीजिए, यानी कि मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आपके इशारे पे इत्तेफाक न रखे आप उसका अपमान कर देंगे, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं अपमान और मान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अपमान तो है ना, इसलिए सवाल उठा, क्यों क्यों अपमान है, आप अगर कहा कहेंगे तो सवाल उठेगा, कहाँ अपमान किया, किसने किया, आप अगर कहेंगे कि ये कहानी कविता की किताब है तो अपमान है, मैं आपको आप अगर कहेंगे कि करोड़ों लोगों के आराध्य थे वो तो केवल एक तालियां बजी नहीं बजी, आप सुनिए इंडोनेशिया की बात कर रहा था मैं, इंडोनेशिया की बात, इंडोनेशिया की बात सुनिए, वो तो मुस्लिम मुल्क है, यही खुद ही कह रहे हैं, वहां राम के नाम पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां आरएसएस जैसी संस्था नहीं है, ये है बुनियादी बात जिसके बारे में ये नहीं बोलेंगे, हर एक अच्छी चीज के नाम पे, अच्छी जो सबके लिए रिस्पेक्टेड है उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, आरएसएस और लड़ाई कराती है, अरे मैं अभी सिर्फ मुद्दा हो रहा है, जन्म बात से पूछनी पड़ेगी, अभी मुद्दा सिर्फ हो रहा है लैंड की ओनरशिप का, सर मुझे क्यों राम का नाम बीच में लाते हैं, मुझे एक बात पूछनी पड़ेगी, ये जो आपके महापुरुष आए थे बाबर, जिन्होंने डकैती करके वहां पे बताया जाता है कि बनाली मस्जिद, वो आरएसएस से सांठगांठ करके आए थे क्या, डॉक्टर हेडगेवार भी 1528-1582 में थे यहाँ पर, जो एक महाराणा सांगा थे बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे इतिहास में, मैं उस इतिहास में सबसे बहादुर उनको मानता हूँ, महाराणा प्रताप से भी ज्यादा, उन्होंने बाबर जी को बुलाया था, तो आरएसएस के थे महाराणा सांगा आपके हिसाब से, बाबर जी वो आरएसएस के थे, तालिया
आपके हिसाब से वो आरएसएस के थे। अच्छा, मेरा नमन है प्रभु, आपके चरण कहाँ है सर? नमन है मेरा, आप तो जैसी बातें कर रहे हैं सर, मेरा नमन है। मतलब आप लोग देख लीजिए भाई, राणा सांगा ने बुलवाया था क्योंकि इब्राहिम लोधी को हराना था। नहीं नहीं आपको हिस्ट्री पता है बाबर के भाइयों ने मार के भगाया था, फर्क नहीं है। मैं सवाल लगा के मारा था चाचा, राणा सांगा बहादुर थे, बात कर रहे हैं। बताओ बताओ, सवाल आरएसएस पर आया था कि क्या उस वक्त आरएसएस थी? अब असली सवाल आप कह रहे हैं कि नहीं उस वक्त तो महाराणा सांगा थे। एक घटना सुनिए, एक फैक्ट और, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। तुलसीदास ने कोई कंट्रोवर्सी नहीं बताई है, आरएसएस ने ही कंट्रोवर्सी बताई है। और इस देश में दो विचारधाराएं हैं, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान की है, और एक आपका इतिहास आरएसएस की। इसके अलावा पहली बात तो हमने आपको वकील समझ के बुलाया था, मैं पता नहीं था आप इतने बड़े इतिहासकार भी हैं। आमने सामने दूसरा यही है, दूसरा आज है कि हम लोग बाबा साहब के लोग हैं महाराज, जो आरएसएस के लोग हैं सामने सर, हम लड़ेंगे संविधान के लिए। सारे आरएसएस के होने के लिए ताली बजा रहे ना, बजाइए मेरी बात सुनिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। बात तो सुन लीजिए, हम अंबेडकरवादी हैं। अरे भाई दूसरी बात सुन लीजिए, रखना है मनुस्मृति को नहीं रखना। चलिए सर, इसमें मनुस्मृति भाई, आप लोगों में से कितनों के घर में मनुस्मृति देखी है आपने? एक भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा सर, तो जितना मनुस्मृति से आप प्यार करते हैं इनमें से किसी ने देखी नहीं सर। इसलिए ये आपके ख्वाबों ख्यालों और सपनों की बातें जिनको आप लगते हैं लोगों पर। राजू त्रिवेदी, मैं दोनों से कमेंट लेना चाहता हूं, लेकिन आप जवाब देना चाहेंगे? एक फैक्ट सामने रख दूं, आरएसएस और ये सारी बातें जो इन्होंने कही, इंडोनेशिया, आरएसएस, बाबर, राम, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति अहमद सुकार्नो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत आए। जब जाता है कोई राष्ट्राध्यक्ष तो उनको कुछ भेंट दी जाती है, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, भेंट भी दी, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे एक और भेंट चाहिए। कहा क्या? कहा चार घड़े गंगा जल। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, मुस्लिम होकर गंगा जल मांग रहे हैं? तो अहमद सुकार्नो ने कहा बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी माइट हैव चेंज अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोर फादर्स। अब मैं कहना चाहता हूं समस्या क्या है, भाई एक लाइन और, बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं कहना चाहता हूं भारत के किसी भी मुस्लिम का डीएनए टेस्ट करा लीजिए, मंगोल और उज्बेक से कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा, सबके सब भारतीय हैं। केवल और केवल समस्या यह है, जैसे आज से 25-30 साल पहले कौन किसका बाप है यह यकीनी मामला था, आज साइंटिफिक मामला है, उसी तरीके से अपनी डीएनए टेस्टिंग करवा लीजिए, सारा साइंटिफिक मामला है। जैसे भारत के क्रिश्चियनों का लॉर्ड माउंटबेटन से लेके डलहौजी तक कोई कनेक्शन नहीं है, भारत के मुसलमानों का औरंगजेब से लेके और बाबर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, मैं एक परिचय करा देता हूं। हमारे साथ राम अवतार शर्मा जी आ गए हैं, वो भारत सरकार के रामायण सर्किट के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के चेयरमैन है और राम वनगमन यात्रा समिति के भी चेयरमैन है। डॉक्टर राम अवतार शर्मा, आपका भी स्वागत है। आपसे कमेंट लूं उसके पहले जल्दी से इन दोनों से एक एक कमेंट लेना चाहता हूं। विजय शंकर तिवारी, अपनी बात रखिए। मसला वो कह रहे हैं कि जमीन का है, जब जमीन का है तो वहां कोर्ट में ये कहने की आवश्यकता क्या है कि राम तो हुए ही नहीं? जिनको माफी मांगनी चाहिए वो भगवान श्री राम पर प्रश्न उठा रहे हैं, और इनको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी यहाँ पूजा करने नहीं आया था, उसने यहाँ मंदिर तोड़े थे, और गजनवी भी यहाँ पर पूजा करने नहीं आया था, उसने भी मंदिर तोड़े, बाबर यहाँ पूजा करने नहीं आया था, जैसा हमारे सुधांशु जी ने कहा कि डीएनए टेस्ट करा लिया कुछ भी नहीं निकलेगा, इसके बाद भी ये माफी नहीं मांगेंगे? आज इनको माफी मांगनी चाहिए कि हमारे हमारे नाम से कुरान के आधार पर जिन्होंने यहां आकर के मंदिर तोड़े उनके लिए माफी मांगते हैं। माफी मांगने की बजाय ये सामने खड़े हो गए। 1950 में जब ये गोपाल सिंह बिशारत को ये कहा गया कि आपको पूजा करने का अधिकार है, ये कोर्ट चले गए, वो इनके लिए अवसर था, उस समय माफी मांग लेते ये कि नहीं मुगलों ने जो किया, जो बाबर ने किया, जो औरंगजेब ने किया, जो मोहम्मद गोरी ने किया, जो गजनवी ने किया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। क्योंकि उनको उन लोगों को सपना आता था कि मंदिर तोड़ोगे तो एक तो सारा का सारा हिंदू समाज मुसलमान बन जाएगा और तुमको जन्नत मिलेगी। उनको जन्नत मिली कि नहीं मिली, प्राचा साहब कम से माफी मांग लेते, उनके कुकृत्यों को धो करके आप माफी मांग लेते, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं है। आप बताइए रोहित जी, प्रमाण भी चाहिए ना, तो कौन से कागज के प्रमाण भी तो श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में उनको भी नहीं मांगते हैं ये, तो हम ये कहना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कागज खो दिया आपने 1982 में, कागज ना संभाल पाए, नहीं नहीं भारत सरकार के पास कागज है, 1861 का बंदोबस्त भी है, फिर झूठ बोल रहे हैं, बंदोबस्त में एक झूठ बोल रहे हैं, 167 आप देखिए, एक सेकंड विजय जी, पराचा जी एक सेकंड, पराचा जी विजय जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है ये झूठ सच का फैसला कोर्ट में हो जाएगा। नहीं सर, आपने कौन से बड़े सच के बड़े कर दिए, बड़े बड़े आपने झूठ बोले, पब्लिक ताली बजा रही, इतने सर आपके झूठों पर बहस है तो हम यहां क्या कर रहे हैं? आपके झूठ झेल ही रहे हैं सर, शांति से बैठे हैं, आप खुद झूठ के मेज पर बैठे हैं सर, जन्म स्थान दूसरे की बात कर रहे हैं, प्लीज बाबा का जन्म स्थान लेकर के बोलिए, आप ही के पास आना है, आपकी बात पूरी हो गई।
नहीं, मैं कहता हूं ये बता दें कि जहां आबादी जन्म स्थान लिखा है 1861 में लिखा है, तो क्या बाबर के जन्म स्थान लिखा है क्या? और जो नरसिम्हा राव जी ने श्वेत पत्र दाखिल किया कि 1949 से लेकर के और 6 दिसंबर तक यहां नमाज तक नहीं की, तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, श्वेत पत्र गलत था क्या? आप कोर्ट में क्यों नहीं गए उस समय? ओके, आपको भी लगता है राम कल्पना मात्र है? बताते हैं पिछले साल प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। ओके सर, प्रधानमंत्री बोलता है, आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं परा साहब, पानी भिजवाता हूं, वो नीचे बॉटल रखिए, पी लीजिए, तब तक बोलिए, गलत करेगी सती जी, बोलिए जो है बड़ी आपकी तरफ से बोलेंगे, इनको बोलने दीजिएगा कम से कम। धर्म के अंदर कहीं ना कहीं बड़े साइंटिफिक एविडेंस जहां ढूंढे गए, जहां डीएनए जांच की बात आई, तो मैं एक देश की जनता के सामने एक बात बताना चाहता हूं कि सिर्फ बाबर ही बाहर से नहीं आया। अभी हरियाणा के राखीगढ़ी इलाके में एक कंकाल मिला, बीजेपी की सरकार है और वो कंकाल 2000 साल पुराना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। भारत सरकार ने उसकी बाकायदा डीएनए जांच कराई, और जब डीएनए जांच कराई इस आशा में कराई कि इसकी डीएनए जांच में कहीं आर्यंस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जो आपके डीएनए जांच है, आर्यंस की डीएनए होती है RA1, और उसके अंदर RA1 नहीं मिला। तो सवाल तो यह भी है कि बाबर ही बाहर से नहीं आया, बहुत सारे लोग बाहर से आए, एक बात। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए ना, आपकी जानकारी आपकी बात सुने, बोलने दीजिए उनको। देखिए मुद्दा ये नहीं है, देखिए आस्था भी, आप क्या कहना चाहते हैं, राम बाहर से आए थे? मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरी बात को सुनिए। देखिए राम जी के इतनी लंबी कर रहे हैं, होने के जो भी प्रमाण है वो लगभग हमारे इस देश में विभिन्न लोगों के द्वारा अलग अलग भाषाओं में 300 रामायण उपलब्ध है, और उनमें जो मोस्ट फेमस है वो लगभग 20 रामायण है। आप उसमें तुलसीदास जी की भी रामायण है, उसमें महर्षि वाल्मीकि की भी रामायण है, उसमें पेरियार की भी रामायण है, एक, तो एक सच्ची रामायण के नाम से सवाल आ रहा सर मन में, अलग अलग रामायण, आप तो इतने प्रधान विद्वान हैं, अलग अलग वर्णन है। केवल इतना बता दीजिए, आपको टीका में, रामचरित मानस में और रामायण में कोई फर्क पता भी है कि नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, आप सबको एक ही मानते हैं, तो सुधांशु जी बताएंगे, आप सबको एक ही मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं सुनिए, आप टीका बाद की चीजें हैं, आप मेरी बात को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए अगर आपको राम मंदिर बनवाना है तो आप आस्था के ऊपर राम मंदिर, आज यहाँ नहीं बन रहा राम मंदिर, यहाँ केवल ये पूछने के लिए बुलाया गया आपको, दलितों का मंदिर बना, राम के अस्तित्व को मानते हैं या नहीं? आप दलितों से उनके मंदिरों के, लीजिए दुकानदारी ले आए बीच में, आप सर्टिफिकेट मांगते हैं, दलित की दुकानदारी ले आए बीच में, अरे भाई दलित की दुकानदारी के लिए मंदिर का मिलता है ना आपको? आपके पास कागज नहीं मिलते, मुझे केवल एक बात बता दीजिए, अपना मंदिर आस्था के आधार पर, दलितों का मंदिर जमीन के कागज के आधार पर, अभी तोड़ा है, पिछले महीने तोड़ा है, मैं जानता हूँ दिल्ली में तोड़ा है, अब मुझे केवल ये बता दीजिए सर, मुझे केवल ये बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राम के अस्तित्व को मानते हैं तो आप कह रहे नहीं, मेरी तो दलित की दुकान है, पहले उसका सब माफ करवा, मेरी कोई दुकान नहीं है, तो मतलब हम मानव की दुकान चलाते हैं, आपसे जो सवाल पूछा भाई, हम बाबा साहब को मानते हैं, अरे बाबा साहब का मंदिर बना लिए, कौन रोक रहा है? लेकिन मसला ये है सर, साइंटिफिक चीजों को मानते हैं, अगर सुनिए, आप इतने डरे हैं क्यों? एक मिनट, नहीं आप तो जमीनी मुद्दा लेकर गए थे ना, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप सुनने को तैयार नहीं है। आपने कहा कि रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया, हाँ जी, किसी ने इनकार किया कि नहीं तोड़ा गया? नहीं, आपने बताया, एक मिनट बताइए ना, किसी ने इनकार किया? आपने देखा नहीं सर, आपने देखा नहीं, क्योंकि आप गए होंगे वहां, जी के दफ्तर के बाहर लाइन में बैठे हुए होंगे, नहीं लगा होगा वहां, मैं बता देता हूं आपको, दिन रात चला है, दो लड़ाई है, आप एक तो मंदिर अभी बनना है, सुनिए एक लड़ाई आपकी वो है, मैं झूठ शब्द से नफरत करता हूं, यहाँ बोलते हैं इनको रोक रहा था, लेकिन आपके मुंह पे बोल रहे हैं आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं, टीवी पर देख के आपको जानकारी मिली, आप इतने बड़े कलाकार हैं, सुनिए जहाँ पे आंदोलन हो रहा था वहां नहीं बैठे थे, टीवी पे देख के आपको पता चला, और यहाँ बता रहे कि टीवी पे मैं दिखाई नहीं, सरकार बनती है, छोड़ दीजिए मंदिर बनने वाला नहीं है सर, छोड़ दीजिए सर, एक नहीं पहले राम सतीश जी तो पहले सुधांशु जी और राम, लेकिन हम उनके साथ खड़े होने गए, एक सेकंड सर, एक सेकंड ना, रविदास जी का मंदिर टूटा, अरे छोड़ दीजिए सतीश जी, ये ले लीजिए दो हाथ में, अरे एक दूसरे के सर में ना, ये ले लीजिए दो हाथ में, एक दूसरे के सर में मारने लगे, तमीज से बात करना सीखे ना कम से कम, टीवी पर हैं ये बच्चे, क्या देखेंगे आप, क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे आपके बारे में, कल को सड़क पे मिल जाएंगे, नमस्ते भी नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखिए कम से कम। मैं ये कह रहा हूँ सर, रविदास जी का मंदिर टूटा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा ना राम अवतार जी कि रविदास तो हुए ही नहीं, वो तो दोहों में और श्लोकों में लिखे हुए थे, किस बात का मंदिर? अगर रविदास जी, संत रविदास जी का मंदिर टूटने पर ये बवाल नहीं है तो ये उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम को लेकर जब ये सवाल उठाया जाता है अदालत के अंदर, कहा जाता है कि तो काव्य कहानी की किताब का किरदार है, तो ये कहते हैं कि नहीं, उसकी तो 20 रामायण है, उसकी तो 200 रामायण है,
क्या राम हुए या नहीं हुए, यह साबित करना होगा। और अगर साबित करना होगा तो क्या उसके तथ्य हैं आपके पास? सारे के सारे तथ्य हैं, लेकिन अगर कोई पहले ही कह दे मैंने नकारना है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। अयोध्या जी से जनकपुर तक जिस मार्ग से श्री राम गए, सारे के सारे स्थल जो वाल्मीकि जी ने लिखे हैं सारे के सारे स्थल मिले हैं। इसी तरह अयोध्या जी से रामेश्वरम तक जितने स्थल हैं मैंने शोध किया, 40 वर्ष लगाए इसमें। अयोध्या जी से जनकपुर तक 41 स्थान मिले हैं और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक 249 स्थान मिले हैं। प्रत्येक जगह मंदिर बना हुआ है। दुनिया का, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्या अयोध्या जी से रामेश्वरम तक उन स्थलों का निर्माण करवा सकता है? क्या जनता में भावना फैला सकता है? क्या वहां के आप आदिवासियों से पूछिए, वनवासियों से पूछिए, ये लोग कहते हैं कि अखबार में आ गई, श्लोक में आ गई, नहीं। आप उड़ीसा के बंडा जाति के लोगों से पूछिए जिन्होंने अखबार कभी देखा नहीं, टेलीविजन का नाम नहीं सुना, वो सीता मां की राम जी की कहानी सुनाते हैं, कहां से आ गई है। इसी तरह जहां जहां राम जी ने जिस राक्षस को मारा, जिस ऋषि से मिले, सारे के सारे स्थल सिद्ध होते हैं। और जैसा अभी आदरणीय बता रहे थे, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से सारे स्थल सिद्ध होते हैं, ऐसा है। और जहां तक बात है राम जी के काल्पनिक होने की, मैं आमने सामने बैठकर सिद्ध कर सकता हूं कि राम जी थे, इतिहास पुरुष हैं, और एक एक स्थल के बारे में मैं बता सकता हूं। सुधांशु जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एकदम सबूत की और टेक्निकल बात होती है तो ये, जैसे उन्होंने कोर्ट केस की बात की, आपको पता है मुस्लिम पक्ष इसमें कब आया है? जब भी कोई जमीन का विवाद होता है तो उसकी एक लिमिट होती है 12 साल। अगर 12 साल तक आप नहीं कोई कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं तो वो आउटडेटेड मान लिया जाता है। 1949 दिसंबर में मूर्तियां प्रकट हुई और जब पूजा शुरू हुई, ये जानते केस कब आया? दिसंबर 1961, जब 11 दिन रह गए थे वो 12 साल की मियाद खत्म होने में। इसका मतलब पहले 11 साल तक कोई समस्या नहीं थी, 12 साल तक, अचानक वो 61 में पैदा हो गई। इससे साफ समझ में आता है कि, और दूसरा मैं एक यथार्थ बताना चाहता हूं, जब मुकदमा कोर्ट में चला है ना, तो कोर्ट ने यह परमिशन किया था कि दोनों पक्ष अपने अपने तरफ के इतिहासकारों को ला सकते हैं। जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इतिहासकार गए, सब वही जेएनयू ब्रांड थे, आर एस शर्मा, डी एन झा और वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही, कोर्ट ने पूछा कि आप में से आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, क्योंकि आप बोलते हैं जो खुदाई होती है उसका विशेषज्ञ। पांचों ने स्पष्ट किया कि आर्कियोलॉजी वो नहीं जानते। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दूसरा प्रश्न यह था कि सारे डॉक्यूमेंट दो ही भाषाओं में लिखे हैं, संस्कृत और फारसी, दोनों ने बाकायदा लिख के दिया, ना वो संस्कृत जानते ना वो फारसी जानते हैं, यानी ना खुदाई जानते हैं ना पढ़ाई जानते हैं, और उसके बावजूद सारी खुदाई जानते हैं। अब हमारी तरफ से जो थे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को जानता हूं, डॉक्टर हर्ष नारायण फारसी भी जानते थे और संस्कृत भी जानते थे, देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल, ग्रोवर साहब, एसपी गुप्ता, ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो हमारी तरफ से अकाट्य प्रमाण, लिंग्विस्टिक भी रखे गए यानी लिटरेरी एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जब इनसे कहा गया, पहले इन्होंने कहा जी वहां पर तो कुछ नहीं था, पहले मस्जिद बनी, पहले ही मस्जिद बनी थी। अब जब नीचे निकल आया स्ट्रक्चर, कहते नहीं जो ईदगाह के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, क्योंकि अब नीचे स्ट्रक्चर निकल आया। अब जब स्ट्रक्चर में निकल आए 72 खंबे, नहीं जी ये तो सब गलत है, ये राम का मंदिर नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर बहस यहीं से शुरू हुई होती जमीनी विवाद से तो कोई बात, जब ये मामला उठा था, आज की पीढ़ी को तो याद नहीं होगा, 89 में जानते यहां थोड़ी शुरू हुआ था भगवान राम, कहते राम थे कि नहीं, अयोध्या ये थी ही नहीं, हुए थे तो पहले साबित करो, और हुए थे तो यहां साबित करो। और प्रतिक्रिया कब आई थी? आजकल फिर उससे कनेक्शन है, शाबानो केस में भारत की सरकार ने एक निर्णय लिया कि धार्मिक मामले में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि धार्मिक मामले का पूरा सम्मान करती है सरकार, ये आस्था से चलेगा। तो अगर 100 या 80 रुपया मुआवजा जो शाबानो को तय हुआ था वो देने का निर्णय कोर्ट ने किया है तो उसे पलट देंगे, कोर्ट का अधिकार नहीं है, धार्मिक भावना ऊपर है। और एक साल बाद कहते हैं कि हमारे भगवान कहां पैदा हुए, तो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, और अयोध्या में नहीं इसी जगह में पैदा हुए ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये जो इतना बड़ा अंतर जब दिखाई पड़ता है तब इस प्रकार की प्रक्रिया आती है। और एक बात जो विजय शंकर शिवारी जी ने कहा, सबसे पुराना जो इंस्टेंस जानते क्या है, 1858 में अयोध्या की कोतवाली में मुकदमा दर्ज है कि कई 100 निहंग आए गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेते हुए, उन्होंने कब्जा कर लिया है और चारों तरफ उस दीवालों पर राम राम लिख दिया है,
ये शीतला प्रसाद दुबे थानेदार ने अपनी तहरीर में लिखा है, अंग्रेजों के जमाने लिखा, क्या लिखा है, कहां कब्जा कर लिया, मस्जिद जन्म स्थान। अब भैया किसका जन्म स्थान था मस्जिद, वो बता दीजिए। मीर बाकी के पत्थर पे लिखा फरिश्ते के उतरने की जगह, इस्लामी मान्यताओं के अनुसार कौन सा फरिश्ता उतरा था वो बता दीजिए, बताइए सर। लेकिन उससे पहले आप की क्या बात, मतलब आप करें तो रामलीला, ये करें तो कैरेक्टर ढीला, अगर ये उधर उधर की कर रहे हैं तो आपने कौन सा साबित कर दिया कि बाबर आरएसएस की शाखा में से होते हुए अंदर आया था। आपने 100% सही बात बोली है, हम क्योंकि सत्य बोलते हैं इसलिए हम जो भी इसका फैसला जनता छोड़ दीजिए ना, अरे आप ही बोला जाएगा उसका, आपने बोला हम तो हाँ कर रहे हैं, बोलिए जो आपने बोला वो 100% सही है, ये लोग गलत काम करते हैं हम सही काम करते हैं, आप आगे सुनते हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की हुई, आपने जिस आराम से और जिस कॉन्फिडेंस से दो बार आपने दलित दुकान बोला, आपने क्या एक बार भी कभी ब्राह्मण दुकान बोला है, ये हमारी पीड़ा का विषय है सबसे बड़ा, जो आपको रोहित सरदाना जी ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण बेचारों की ये पीड़ा है कि हमारी दुकान नहीं चलाता कोई, आप बताइए, आप अपनी दुकान संभालिए ना पहले, दूसरे की दुकान छोड़िए, दुकान का भी जवाब, मेरी दुकान है संभालिए, ये मेरी दुकान है आपका, मेरी ही दुकान है, मेरी ही दुकान है, और हम गर्व के साथ कहते हैं हम अम्बेडकराइट हैं सारे, हमारी ही दुकान है, 80% इस देश में ब्राह्मण ही है, सब पोस्टों पे बैठे हुए और सब धंधों पे, सब बिजनेस पे, हम इस बात को आपके पास, मैं मान लो ना कि राम वाले मामले में लगे आपके पल्ले कुछ है नहीं, बिल्कुल आप पहले आरएसएस की शाखा में भागते घूम रहे थे, अब आप दलित मुस्लिम गठजोड़ की यहां पे राजनीति की दुकान चलाने बैठ गए, घर की बात करेंगे, मुद्दे की बात पूछी, रामचंद्र बेदी ने कोर्ट पे जवाब दे दीजिए ना, जब मुद्दे की बात चल रही है उस पे बात ही नहीं करेंगे, कोर्ट पे चल रहा है टाइटल, जो सुधांशु त्रिवेदी ने बातें की उस पे जवाब दे दीजिए, अपने तर्क रख दीजिए, पूरे तर्क दे दिए ना उन्होंने, अपने तर्क रख दीजिए, कागज कहाँ है जमीन के वो बता देना, पूरी दुनिया की बातें कर ली इन्होंने, अरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, अब फिर आप सरकार में ऐसा नहीं होता कि आपके पास कागज नहीं, सरकार के पास तो कागज रहता है, किसकी जमीन है, चोरी कहाँ से हो गए, ब्यासी में आपकी जमीन के कागजात चोरी हो सकते हैं, मगर डीडीए के पास होगा, नोएडा अथॉरिटी के पास रहेगा, वो तो गुरु रविदास जी के मंदिरों के डॉक्यूमेंट फोर्स किए डीडीए ने, वो भी आपके कारनामे, आगे बाद में बताऊंगा, लड़ रहे हैं उसका केस आप, अब आप सुन लीजिए, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, वो वाला आर्कियोलॉजिकल सर्वे की वो वाला केस लड़ रहे हैं कि नहीं आप, लड़ रहे हैं ना, चलिए आगे मत कीजिए, अगर आप उस पर डिबेट करेंगे तो मुंह नहीं खोल पाएंगे अपना, मैं कह रहा हूँ एकदम कच्चा चिट्ठा निकल जाएगा, किस प्रकार सबसे बड़े लड़ाई, अरे कुछ नहीं बोले, मुद्दे की बात पे आइए, राम जी के बारे में बताइए ना, आपके पास क्या जानकारी है, क्यों आपको लगता है कि वो सच नहीं थे, मैं आपको अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात कर रहे थे, मैं आपको ये बताता हूँ कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसके कितने साल बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने सर्वे किया वहां से, करीब 12 साल बाद, तब भी खंभा निकला है नीचे से मंदिर, तब भी निकला है, मतलब इन्होंने रखे थे, अब आप अगर थोड़ी सी भी जब मुझे फिर पूछना पड़ेगा आपके चरण कहाँ है, खंभे रखा ये लोग नीचे जाके, खंभे रखा ये लोग नीचे जाके, लॉजिक की बात, भाई बहुत बढ़िया, लॉजिक की बात करते हैं ना, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, एक सेकंड पूछ रहे, सुनिए इत्तेफाक से, इत्तेफाक से, इत्तेफाक से, साइंटिफिक बातें सिखा सिखा के, इत्तेफाक से, सर आपकी साइंस तो मैं देख रहा हूँ ना जिसमें धरती चपटी होती है, आपकी साइंस भी मैं जान रहा हूँ जिसमें धरती चपटी होती है, इसलिए छोड़ दीजिए सर, उसके बाद वहाँ पे क्या सीन ऑफ जो इंसिडेंट था उसमें क्या मैनिपुलेशन की गई, सर ये बच्चे अब झेल नहीं पाएंगे इस बात को, खंभे रखाए थे लोग जाके, ये तो ना समझे, सुधांशु त्रिवेदी पूरी दुनिया देख रही है, मुझे केवल एक बात बता दीजिए, उमा भारती, इनमें से कौन था जो खंबे लेके गया और किसी मीडिया को दिखाई नहीं दिया, ये आप तालियां बजवाइए, कौन खंबे ले गया था नीचे रखने के लिए, तालियां क्यों नहीं बज रही, इसने रखे खंबे, ये आपके लिए बज गई, आपके लिए बज गई ताली, ये खंबे जितने रखे थे नीचे, सवाल पूछ रहे बच्चे, आपने पॉइंट में जरूर बोल रहे, साइंटिफिक सोच जगा दी, सवाल पूछ रहे पहले, सुनिए ये तो आप 1992 कह रहे हैं, ये 1976 में 8 खंबे नीचे खुदाई में निकल रहे थे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में है, और ये बताने वाला के मोहम्मद है, वो किसने ला के रखे थे, इंदिरा गांधी रखी थी क्या, बताइए ना, अब मैं एक और बात पूछता हूँ, सुनिए एक ये जो दलित दुकानदारी की बात कही गई है, दुकानदारी क्या होती है बताता हूँ, दलितों के जितने बड़े नेता पिछले 100 साल में हुए, पेरियार जिनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने जो साइन किए, भीमराव रामजी अंबेडकर, उसके बाद बाबू जगजीवन राम,
उसके बाद काशी राम और उसके बाद क्षेत्रीय नेताओं में रामविलास पासवान और रोहित राज जिनका नाम है रामराज। अरे राम को जितना आत्मसात दलितों ने किया उतना तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ ऊंची जातियों ने नहीं किया, मगर उसके बाद अलग करने की किसको कहते हैं दुकानदारी, राम से अलग करना। और रैदास ने क्या कहा था, रैदास ने क्या कहा, सवाल ले लीजिए। रुकिए, एक बड़ी खबर आ गई, आप सब लोग को भी जाननी चाहिए। पी चिदम्बरम को 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। 19 सितंबर तक पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल भेजे गए हैं, उनको 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। आईएनएक्स मीडिया केस के मामले में आज जो सुनवाई चल रही थी उसमें अदालत ने यह बात कही है, 14 दिन तक पी चिदम्बरम को जेल में रहना होगा। 19 सितंबर तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। दो दिन पहले आपको याद होगा अदालत ने कहा था कि जमानत पर 5 सितंबर तक कम से कम बात ना की जाए, और आज जब अगली सुनवाई हुई है तो पी चिदम्बरम को 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जल्दी से आप पूछे, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा सवाल महमूद सर से है। सर आप बार बार मालिकाना हक के बारे में बातें कर रहे हैं। सर बाबर ने आकर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया, ये बात प्रूफ भी हो चुका है सर, तो फिर आप इससे बड़ा मालिकाना हक आपको क्या चाहिए? अगर आपको चाहिए तो आप देश के साथ सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं जवाब लूं, उसके पहले एक चीज बता दो अपने दर्शकों को कि मेरे कान में जो बात आ रही है वो ये कि खबर अभी कुछ देर हम इस खबर पर रहेंगे, वापस आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर। पी चिदम्बरम 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? मेरे विचार से इनके अनुसार पी चिदम्बरम जी को निर्दोष सिद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से खंभे जमीन के नीचे रखे जा सकते हैं उसी टेक्नोलॉजी से गमले में करोड़ों रुपए की फसल उगाई जा सकती है, तो बिचारों ने क्या गलत किया, वो टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता थी। नहीं, लेकिन गमले में करोड़ों रुपए की फसल उगाई, ये मामला आप भी जानते हैं कि ये मामला मजाक का मामला नहीं है। देश के पूर्व वित्त मंत्री, मैं सिर्फ अब मैं गंभीरता से बात करना चाहता हूं, ये भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब देश के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री के ऊपर इस ढंग का आरोप प्रमाणों के साथ लगा हो, अदालत के द्वारा उन्हें इंडिक्ट किया गया हो, और दुर्भाग्य देखिए कि वो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जो उनके नीचे रहता था आज उनके पीछे है। मेरे विचार से ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। सतीश जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं ये देखो सुधांशु जी ने सोच के बोलेगा, मायावती ने क्या ट्वीट किया चिदम्बरम के बारे में, आप चिंता न करें। मैं इनकी बात का जवाब, इतने सारे दलित लीडर्स का आपने नाम लिया सर, उनके पीछे नहीं, आप सुन तो नहीं, मैं पी चिदम्बरम पे प्रतिक्रिया मांग रहा हूँ। हमने पहला बोल दिया ना, मैं फिलहाल हम पहले दिन से हमने इस देश की जनता के साथ वादा किया है, हमने हम किसी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं है। भ्रष्टाचारी कोई भी व्यक्ति हो उसको जेल जाना चाहिए, चाहे हेमंत बिस्वा हो, चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे रेड्डी बंधु हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे व्यायाम घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह चौहान भी उसका हिस्सा है, चाहे वसुंधरा सिंधिया हो। सुनिए, आप सुनिए, हम हमारा सवाल ये नहीं है, देखिए हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये है कि देखिए देश में सरकार आप चला रहे हैं, और सरकार का नजरिया ये होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो वो बाहर नहीं रहना चाहिए। आप कोई भ्रष्टाचार मिटाने की वाशिंग मशीन नहीं है कि बीजेपी के अंदर आओगे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपका नजरिया एक होना चाहिए। अगर चिदम्बरम जेल में होना चाहिए तो इन लोगों को भी जेल में होना चाहिए। जी ये आपकी ईमानदारी बोल रही है, मायावती का डर बोल रहा है। देखिए देखिए नहीं, आपको डर ही बता दूं, मैं तो पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए दलितों का डर कैसे होता है, क्योंकि जैसे इन पे आरोप लगता है कि बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, आप पे भी आरोप लगता है कि आपको लग रहा है हमारा भी लिस्ट में नाम आ सकता है किसी भी दिन। देखिए दलितों का डर कैसा होता है, आपने इतने सारे दलितों को जेल में नहीं डाला जाएगा, जिसमें आरोप है आप मेरी बात सुनिएगा, दलित कैसे डरता है, दलितों का नाम मत लीजिए इसमें। बोल गवार शूद्र पशु सट नारी, ये है सब ताड़न के अधिकारी। उसी वाल्मीकि रामायण में आपने शंबुक ऋषि की हत्या रामचंद्र जी से करा दी, हमारा डर देखिए ना। आप अगर हम अपने बच्चों के नाम के साथ अगर राम लगाते हैं, ये हमारी आस्था है या डर है? कारण का अर्थ भी तो पूछ लीजिए उनसे। आप बताइए ना, आप सुनिए, अरे मैं इसका मतलब ये आप करी तो सयाम मजाक में आते हैं, जवाब दे दूं, उनकी कोई आस्था नहीं हो सकती, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता। अरे कारण जवाब दे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का अधिकार इन्हीं के पास है, अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे मारना होता है क्या? और दूसरा अरे सुनिए, आपने ये बोला ना, अरे भाई
दीजिए। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से जमीन का पता लगता है। आ रही है, देखिए अपडेट ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। आप राम का पता, आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से पता कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जमीन का पता बता सकता है? एक मिनट सर, एक सेकंड ना, एक और बात कर लूं, सुनिए इस कॉन्टेस्ट में एक बात कर एक अपडेट लेना जरूरी है। चिदंबरम के मामले में जिन्होंने तिहाड़ जेल में अपने लिए अलग सेल की मांग की है, पूनम शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त इस खबर पर और अपडेट लेकर आ रही है। पूनम बताइए क्या जानकारी आपके पास है, विस्तार से बता दीजिए क्या क्या हुआ। देखिए अभी से कुछ मिनट पहले ही चिदंबरम को जेसी में यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उन्हें अगले 14 दिन तिहाड़ में ही बिताने होंगे। और हालांकि आज ईडी की तरफ से भी चिदंबरम की तरफ से भी एक एप्लीकेशन लगाई गई है कि ईडी उन्हें कस्टडी में ले, जिस पर आज ईडी को नोटिस हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उनको अलग सेल दिया जाए, जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि जेल मैनुअल्स के हिसाब से जो जो उनको प्रोवाइड किया जा सकता है उन गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करते हुए चिदंबरम को वो सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। जैसे उन्होंने इंग्लिश टॉयलेट की मांग की है, तो इस तरह की कुछ पर्सनल डिमांड्स उनकी थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि जेल मैनुअल जो भी कहता है उसके हिसाब से ये सुविधा उनको दी जाए। अब देखना ये होगा कि अब आज जिस तरह से जेल भेजा जाएगा उनको, क्योंकि वकीलों की तरफ से लगातार ये जरह की गई कपिल सिब्बल और जो वकील थे कि उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए बल्कि ईडी की कस्टडी में भेजा जाना चाहिए। और सिब्बल की तरफ से खासतौर से कहा गया कि अगर ईडी की कस्टडी में उनको भेजा जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है, एतराज है जुडिशियल कस्टडी में भेजने पर, जेल भेजने पर। लेकिन कोर्ट ने तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का वक्त लगाया और जो आर्गुमेंट्स थे वो सब कंक्लूड होने के बाद उन्होंने अभी से कुछ देर पहले अपना आदेश सुनाया और कोर्ट ने कहा कि पी चिदंबरम को इस मामले में जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है, यानी कि चिदंबरम को अब आखिरकार जितनी कोशिशें उनके वकीलों ने की कि इनको तिहाड़ जेल ना भेजा जाए वो सारी फेल हो गई, नाकामयाब हो गई और अदालत ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत दिया। इसका मतलब ये कि पी चिदंबरम को अब तिहाड़ जेल जाना होगा। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त और जानकारी लेकर आ गए, क्या क्या सुविधाएं पी चिदंबरम ने अरविंद ओझा मांगी है, उनके वकील ने क्या क्या कहा है और जेल मैनुअल क्या क्या कहता है, क्या क्या मिल सकता है उसमें से? जी देखिए, सुरक्षा की मांग की है, साथ ही साथ जो अलग से टॉयलेट है उन तमाम चीजों की मांग की है। लेकिन मैं आपको बता दूं रोहित की जो तिहाड़ प्रशासन के हमारे सूत्र है उनका कहना है कि चिदंबरम को जेल नंबर 7 में रखा जाएगा, क्योंकि इसी में जो आर्थिक अपराध के जो आरोपी होते हैं तो आर्थिक अपराध के वो जेल नंबर 7 में रखे जाते हैं। लिहाजा जो तिहाड़ प्रशासन है वो जेल नंबर 7 में अब चिदंबरम के लिए अलग से बैरक की तैयारी कर रहा है। हालांकि तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड भी होता है, अगर कोई इस तरह का कैदी आता है वीवीआईपी, तो तिहाड़ जेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और जब से ये खबर आई है तिहाड़ जेल के बाहर हलचल तेज हो गई है। फिलहाल यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस और तमाम जो टीमें हैं पीसीआर की वो यहाँ पर आकर मौजूद हो गई है। लेकिन जो हमें पुख्ता जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो चिदंबरम है उनको तिहाड़ के जेल नंबर 7 में रखा जाएगा। इसी में आर्थिक अपराध से रिलेटेड जो भी आरोपी होते हैं उनको इसी में रखा जाएगा। हालांकि चिदंबरम की तरफ से अदालत में सुरक्षा को लेकर एक चिंता जताई गई थी, वो मांग की गई थी। उसके अलावा अलग से इंग्लिश टॉयलेट हो उसको लेकर मांग की गई थी। तो तिहाड़ जेल प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, यहाँ इस तरह की सुविधाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अरविंद ये जानकारी देने के लिए। तो अरविंद ओझा बता रहे थे क्या क्या सुविधाएं पी चिदंबरम के वकील की तरफ से मांगी गई हैं, खासतौर पर सुरक्षा की मांग की गई है, खासतौर पर अलग सेल की मांग की गई है जिसमें और किसी कैदी को न रखा जाए। इसके अलावा कुछ और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजों के लिए भी उन्होंने विशेष मांग की है। अदालत ने कहा जेल मैनुअल तय करेगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा।